हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वागत है आपका तुंगनाथ भगवान के दरबार से। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको दर्शन कराए थे तुंगनाथ भगवान के। अभी मैं आधे एक घंटे बैठा रहा, अभी 11:30 बज गया है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो तुंगनाथ भगवान की जो चोटी है, जिसे चंद्रशिला के नाम से जानते हैं, वहाँ तक का 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो क्योंकि वो ट्रैक 4000 मीटर पर है, अभी हम 3680 मीटर मतलब 300-350 मीटर हमें और हाइट पर जाना होगा। तो बाबा तुंगनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए चलते हैं चंद्रशिला की ओर। बहुत ही रिस्की है, अगर ज़रा सा पैर फिसल जाए, क्योंकि पत्थर भी जमे हुए नहीं है, क्यों पर एक रखें तो पत्थरों के फिसलने का भी चांस है। अगर पैर फिसला सीधे स्वर्ग लोग, पता नहीं स्वर्ग लोग जाएंगे या नरक लोग, नरक ही लोग जाएंगे शायद। तुंगनाथ जी में थे तो सिर्फ ये वाली पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही थी, वो नहीं दिख रही थी। अब जब ऊंचाई और बढ़ी है तो यहाँ तो सब नीचे हैं, लेकिन नॉर्थ साइड में ये दिख रही हैं और वो दिखने लगी। वैसे तो अगर इस बार पुरुषोत्तम मास नहीं पड़ा होता अधिक मास, तो अभी तक दीपावली हो गई होती है। और दीपावली के अगले दिन परेवा को जब केदारधाम के पट बंद होते हैं तो तुंगनाथ जी के भी पट बंद हो जाते हैं, लेकिन अमल मास पड़ने की वजह से, अधिक मास पड़ने की वजह से अभी एक महीने लेट चल रहा है। इसलिए नवंबर, आज 31 अक्टूबर है तो आज दर्शन हो रहे हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, जैसे ही खड़ा हो गया पूरी जैकेट सब पूरा ठंडा हो जाता है। ठंडा है ही ऑलरेडी, अंदर तक ठंड पहुंच जाती है। अब एक आखिरी ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स लाया था वो खा लेते हैं, फिर ऊपर का 250 मीटर रह गया वो चलेंगे। और फाइनली हम आ गए हैं 4000 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रशिला पीक। इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा पिछले 20 साल की घुमक्कड़ी के दौरान। अब आप समझ सकते हैं ये कितना सुंदर होगा। जब दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा को 6 रोग हुआ, तब चंद्रमा ने यहाँ भगवान आशुतोष शिव की तपस्या की और अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। यही वह स्थान है जहाँ पर माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था। यहाँ भगवान राम ने भी तपस्या करी ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए, और यहाँ रावण ने भी भगवान शिव से पाशपत्र पाने के लिए चंद्रशिला पर तप किया। ये भगवान शिव ने यहाँ जब चंद्रमा मस्तक पर धारण किया तो उसे कलाओं का वरदान भी इसी चंद्रशिला पर दिया था। आप दर्शन करिए अंदर, अंदर माता गंगा की मूर्ति है, इसको अभी यहाँ स्थापित किया खाली शिला पर। चंद्रमा मनुष्य का मन होता है, पल पल बदलता है, पल पल घटता बढ़ता है। तो चंद्रशिला पर आकर लोग इसलिए तप करते हैं ताकि वे अपने मन को अपने वश में कर सकें। मन को वश में करना ही तो सबसे कठिन है स्वामी जी। जब आप नीचे से ऊपर आए तो आप मन को आपने वश में नहीं किया? किया, एक मन कर रहा था कि नहीं जाएं, एक मन कर रहा था लौट जाएं। परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि आप अपने स्थान तक, गंतव्य तक पहुँच गए। तो वही चीज पाने के लिए मनुष्य यात्रा करता है, यह एक अंत मन की यात्रा होती है। आप स्वामी जी रात में यहीं रुकते हैं या नीचे चले जाते? मैं तुंगनाथ जाता हूँ। यहाँ बंदर पूछ यमुनोत्री से लेके नंदा घुंगटी तक, नंदा डोम तक, नंदा पीक तक आपको पीछे दिखेगा। यह हिमालय का वह क्षेत्र है जहाँ से हिमालय की समस्त चोटियों के दर्शन किए जाते हैं। केदारनाथ स्वामी के चोटी के दर्शन यहाँ से हो जाते? हाँ जी, केदारनाथ वो सामने है। अच्छा, वो केदारनाथ वाली चोटी है। सामने केदारनाथ है, ये चौखंबा है। अच्छा, ये चौखंबा है, ये सुमेरु है, ये मेरू है, सुमेरु वो है। बंदर पूछ है नीचे से, पीछे नंदा घुंगटी है, द्रुपदा कटार है, स्वर्गारोहिणी है। वो सामने आपको जो टीम दिख रही है ना ऊपर लगी हुई वाइट वाइट, वो इंडियन आर्मी की चौकियां हैं वहाँ। अच्छा, वे नीलांग है। कितना ऊंचाई है यहाँ पर? 4000 मीटर। ये लगभग 4000 मीटर है, ये 12700 फुट है।
और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने एक के ऊपर एक मंदिर मंजिल करके घर बना दिए हैं, कामना की है। घर कोई 5-7 माले से कम का नहीं चाहता, रहना एक ही रूम में है, लेकिन बिल्डिंग चाहिए उनको घर जो है 7-8 माले की। और कब चाहिए? जब शिव के परम स्थान में आकर के भी अभी वासना से मुक्ति नहीं है, यहाँ पर भी आकर के चाहिए क्या? चाहिए ये भौतिक वस्तु, घर चाहिए, दौलत चाहिए। और आए कहाँ हैं? केदारधाम, रुद्रनाथ, यही माया का प्रभाव है। माया का प्रभाव आसानी से जाता नहीं है, हर किसी को समझ में आता नहीं है। जय। और भी कुछ अति उत्साही लोगों ने यहाँ पर जनगणमन स्टार्ट कर दिया, हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट की सबसे कि सब लोग खड़े हो जाएं, लेकिन 25% लोग ही सिर्फ खड़े हुए, 75% लोग या तो फोटो क्लिक करते रहे या बैठे रहे या लेटे रहे। तुंगनाथ जी से 11:30 बजे चले थे और 12:30 बजे ठीक आ गए थे, 1 घंटा लगा था आने में। अब और वहाँ आने में चोपता से तुंगनाथ जी आने में 2.5 घंटे लगा था, इसलिए 2.5+1 3.5 घंटे टोटल यहाँ तक आने में लगा। तो अब धीरे धीरे चलते हैं, इतनी शानदार जगह को अलविदा कहते हैं और मन नहीं करता ऐसी जगह को छोड़ने का। और आप लोग भी ज़रूर आइए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। आप भी जा रही हैं? बहुत हिम्मत का काम किया आपने। अब ऐसा है, इतनी दूर आ गई, फिर कब्र में चले जाएंगे तो फिर कब आएंगे? सही बात है, जब इतनी दूर आ गए, इतना रास्ता देख कर। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है ना। रोजगार है, पब्लिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये मोदी जी ने आपके साथ अत्याचार कर दिया, 2 करोड़ कह करके। कमेंटिंग इज डिफिकल्ट। या 2 करोड़ कह करके प्याज का पकौड़ा लगाने के लिए बोल दिया फिल्म सिटी में। चलिए कोई बात नहीं, भोले भंडारी सब पूरा करेंगे। चलिए ओके, नहीं नहीं अभी तो लखनऊ से ही आ रहा है और मैं गिर गया हूँ। ऊपर हाइट में होने का एक नुकसान ये है कि यहाँ पर वाटर का कोई सोर्स नहीं है, तो होटल वाले भैया बता रहे थे कि पानी खच्चर में टीन में खिलाना पड़ता है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है। 2 किलोमीटर नहीं, आपको तो 1.5 किलोमीटर रह गया है, मेरे को 2 किलोमीटर रह गया। अच्छा, रुद्रप्रयाग भी स्टे किया था एक दिन, तो उसके बाद हम यहाँ से आ रहे हैं। हेलो सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वाले दिन आप इतने अच्छी जगह आए हैं। चलिए ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू, हैव अ गुड ट्रिप अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ आने के साथ ही यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई तुंगभद्र की। चंदशिला से मैं 1:15 बजे चला था और 1/2 घंटे में तुंगनाथ मंदिर उतरा था, और 1:45 बजे तुंगनाथ मंदिर से अभी 3:15 बजे मतलब 1.5 घंटे में तुंगनाथ मंदिर से नीचे तक आया हूँ। वहाँ नहीं है, अरे वहाँ का 1.5 घंटा और था ना आगे, बटवर से ऊपर जाना। चंदशिला तो मैं मतलब ये लोग नहीं गए और जा सकते थे, यंग लोग तो जा ही सकते हैं, तो जो भी कहता है कि मैं चंदशिला नहीं गया तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि इतना अच्छा मतलब वहाँ जा कर के लगता है। टैक्सी स्टैंड में खड़े हैं चोपता के, जाना है बद्रीधाम, यहाँ से गोपेश्वर और वहाँ से 40 किलोमीटर गोपेश्वर, 10 किलोमीटर चमोली और फिर वहाँ से बद्रीधाम। तो शेयरिंग में यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, हमने एक टैक्सी बुक करने की बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग चल रही है, तो उससे हम जाएंगे गोपेश्वर तक, वहाँ से फिर शेयरिंग गाड़ियाँ मिलती चली जाएंगी। 9 महीने तो 1 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं, बहुत जल्दी प्ले बटन आने वाला है। ये
ये पहली देवी हैं जिन्होंने मुझे 1 मिलियन का आशीर्वाद दिया है। आपकी ज़ुबान में घी शक्कर। उसके पहले पेट पूजा कर लेते हैं। खाना कल रात में यहाँ खाया था, बहुत बढ़िया था, आज भी यहीं खाएंगे। 2 होटल हैं खाने के, एक ऊपर है वहाँ, है ये दिख नहीं रहा, 3 होटल हैं, वो हर कोई नहीं जानता है। 2 होटल ये हैं, मतलब होटल का मतलब रेस्टोरेंट, खाने वाले, और रुकने के होटल 1 छोटा सा रूम, ये 2, 3, 1 उसके पीछे 4, 5, 1 उसके पीछे 6 जिसमें हम रुके हैं, और ये 2-3 कमरे 7, इतने रूम हैं। कभी भी चुप आइए, रूम बुक करके आइए, या तो 5 बजे के पहले आ जाइए, अदरवाइज बहुत मारामारी रहने वाली है। अब हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, खाना खा करके मिलते हैं। मोदी जी का चाय अच्छा है कि इनका ज्यादा अच्छा है? दोनों का अच्छा है। दोनों का चमक आ गया आपके चेहरे में मोदी का नाम सुनते ही। एक मोदी ने मुझे कल ठग लिया, कहाँ कि हमने डायरेक्ट बद्रीधाम तक के लिए टैक्सी कर ली है। 4 लोग हैं और 5,000 रुपए की टैक्सी मिल गई है। One hour later. अभी हम चोपता से 38 किलोमीटर आगे चले हैं और यहाँ पर एक पोपट हो गया है, गोपेश्वर करके जगह है, उससे 500 मीटर गोपेश्वर जो टाउन है उसका आउटर है। वहाँ पर हमारी ये जो टैक्सी है उसका एक्सल टूट गया है, गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं सकती है। 7:30 बजा है, पहाड़ों में 7:30 बहुत लेट हो जाता है। कोई भी दुकान, कोई भी मैकेनिक यहाँ पर खुला नहीं है। तो अभी फिर भी ड्राइवर साहब गए हैं और शायद पेट्रोल पंप में या कहीं मैकेनिक एक मिल जाता है तो उनको लेकर के आएंगे। तो देखते हैं फिर, अगर गाड़ी सही हो जाएगी तो आगे बद्रीधाम के लिए यात्रा करेंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 500 मीटर पर क्योंकि टाउन है और यहाँ गोपेश्वर मंदिर है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। तो होटल में एक गेस्ट हाउस में रूम ले लेंगे और रुक जाएंगे। तो जैसा भी होगा फिर आपको अपडेट करेंगे।